हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं बिपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चंपावत में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों का किया जा रहा है चयन। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में विभिन्न जगह आई दैवीय आपदा के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। और देश में अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक लगाए गए कोविड टीके। अब समाचार विस्तार से। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ जर्मनी दौरे पर गई टीम ने मेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लैंडफिल साइट में कूड़े से तीन बड़े पहाड़ बनाए गए हैं। इन जगहों से मीथेन गैस के प्लांट के लिए बिजली भी बनाई जाती है। आपको बता दें, इस मौके पर टीम द्वारा जर्मनी की कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट लैंडफिल का भी भ्रमण किया गया। चंपावत में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही जिले को मॉडल जिला बनाने के उद्देश्य से नए पर्यटक स्थलों का चयन कर उनका विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिले के सिप्ती वाटरफॉल और गौड़ी स्थित धानकेश्वर दूध्रकुंड का विस्तार करने की घोषणा के बाद जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी द्वारा इन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए 96 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल इस तक का बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा। और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी DPR बनाने के लिए, जो DPR में कॉम्पोनेंट्स रखे गए हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया। और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पर एक मतलब वहाँ पर टूरिज्म फैसिलिटीज़ का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। दिल्ली प्रवास पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने अमित शाह को पिछले दिनों राज्य में विभिन्न जगह आई दैवीय आपदा और उन क्षेत्रों में किए गए आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही दोनों नेताओं के बीच पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की चेतावनी मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून की वापसी 25 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख सितंबर की हो गई है, तो अगर अभी 21 से लेकर 25 तक के लिए देखें तो इसमें जो प्रदेश में अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें अगर बात करें तो ये जो है जो बारिश की एक्टिविटी हुई अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेन्स की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलती रहेगी अभी 4 से 5 दिन। उसके बाद थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मानसून की वापसी की बात है, तो मानसून जो है उत्तराखंड में जो सामान्य तिथि है करीब है वापसी की, तो वो करीब 25 सितंबर है और 30 सितंबर के आसपास तक पूरे उत्तराखंड से मानसून सामान्यतः जो है वो निकलना चाहिए। लेकिन अभी जो शुरुआत है कल से, ये शुरुआत थोड़ी राजस्थान से हुई है, तो अभी यहाँ तक आने में उसमें अभी समय लगेगा। और इस महीने तो नहीं लगता कि जो एक्टिविटी अभी चली रही है कि मानसून विड्रॉल होगा, तो अगले 4 से 5 दिन अच्छी बारिश जो है मैं कहूँगा अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम जो है वो है प्रदेश में। तो इसी के साथ अगर देहरादून की बात करें, तो यहाँ भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है शाम के समय या सुबह के समय वो देखने को मिलती रहेगी अभी आने वाले 4 से 5 दिन।
तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्ते। उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने की दिशा में अग्रसर रहते हुए डीजीपी अशोक कुमार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष उत्तराखंड पुलिस से संबंधित वर्तमान और भविष्य की योजनाएं रखी गयी। बैठक में विभिन्न पुलिस इकाइयों के बारे में विचार विमर्श किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों के साक्ष्य मिले थे, जिसे कैबिनेट मंत्री ने स्वीकार भी किया था। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियां के बाद मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा साफ तौर पर मंत्रिमंडल में बदलाव की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर उनकी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है, जिसका साफ मतलब है कैबिनेट मंत्रियों की सूची में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार विधानसभा नियुक्तियां की जांच भी की जा रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन सभी भर्तियों को निरस्त किया जाएगा। जैसे ही ये मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जाँच करवाइए, और जाँच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियाँ हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। अभी अभी मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं हुई है, अभी आपदा के बारे में और जो हमारा पुलिस मॉडर्नाइजेशन है और किसाऊ डैम जो बनना है उसके संबंध में चर्चा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में रुद्रप्रयाग में वृहद स्तर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जनपद स्तर पर गतिमान स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत दैनिक क्रियाकलापों की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत संकलित जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण को लेकर आम जनता को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पौड़ी के निसड़ी का दौरा करते हुए वहां पर क्रॉप कटिंग का आकलन किया। साथ ही इंटर कॉलेज में पठन पाठन और राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में की जाने वाली चिकित्सा गतिविधियां का भी निरीक्षण किया। इस दौरान 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कुल 12,750 किलोग्राम मंडुए का उत्पादन हुआ। इस आधार पर बाली सहित प्रति हेक्टेयर 48 कुंटल का औसत उत्पादन निकला। शुक्रवार को प्रधानमंत्री गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। विभिन्न विषयों पर श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिन का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 5,443 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 5,291 रोगी ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। साथ ही वर्तमान में 46,342 रोगियों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।